पूरे देश के साथ ही हिमाचल प्रदेश में 73वां गणतंत्र दिवस पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय परिसर में मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मोहम्मद रफीक द्वारा हाईकोर्ट परिसर में तिरंगा फहराया गया। पुलिस की टुकड़ी ने तिरंगे को सलामी दी। वहीं इस अवसर पर उन्होंने विधिवत ध्वजारोहण करने के बाद सबको बधाई और शुभकामनाएं दी। 73वां गणतंत्र दिवस हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय के परिसर में बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मोहम्मद रफीक द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराने के साथ हुई, जिसके बाद राष्ट्रगान हुआ। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सबीना, न्यायमूर्ति त्रिलोक सिंह चौहान, न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर, न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल, न्यायमूर्ति ज्योत्सना रेवाल दुआ और न्यायमूर्ति सत्येन वैद्य भी इस अवसर पर उपस्थित थे। वहीं अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग न्यायमूर्ति पीएस राणा और सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति जीपी सूद, अशोक शर्मा, महाधिवक्ता अजय कोचर, अध्यक्ष बार काउंसिल हिमाचल प्रदेश, उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के अध्यक्ष लवनीश कंवर और उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के अन्य सदस्य भी इस दौरान उपस्थित रहे। यार ये कैसी खबर थी।